चलिए बात करते हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे तेजस्वी यादव का आज रैली था, उन्होंने संबोधित किया है शाहपुर की जनता को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ कुछ राजद के कार्यकर्ता हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ से राजू यादव जीतना चाहिए, क्या लगता है क्यों जीतना चाहिए राजू? क्योंकि मोदी जी नवयुवक के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, 2 करोड़ रोजगार का नहीं दिए हैं, 15 लाख नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग नवयुवक जिस तरह उन बस चढ़ कहीं चल लिए थे वोट मारने के लिए। क्या अच्छा लगा तेजस्वी यादव का, क्या बात अच्छा लगा आपको? तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो जिस तरह उनके पिताजी को साजिश के तहत फंसाया गया भाजपा के लोग, वो लोग जो मौलवादों की सरकार है वो बस वहीं सोचता है दूसरे को फंसाने के लिए। दूसरे को क्या लगता है आपको, क्या लगता है तेजस्वी यादव का, क्या बात? संविधान बचाने की बात है और मतलब जो अभी देश खतरे में चल रही है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बचाने की बात है और उसके साथ हम लोग को एकजुट होके जो मोदी जी के और बीजेपी मतलब यहाँ पे जो महागठबंधन से प्रत्याशी है राजू जी को उनको जीताना है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार क्यों जीतने चाहिए राजू यादव? राजू यादव इसलिए जीतना चाहिए कि हम लोग को क्षेत्र में आरके सिंह द्वारा जो हम लोग को सांसद इसके पहले थे कोई भी कार्य नहीं किया गया है और इस बार जो नौजवान का हम लोग का उमंग है जो राजू यादव के बहुत भारी मतों से विजयी बना रहे हैं, इधर में सभी जनता मिलकर भारी मतों से विजयी बना रहे हैं, 3 तारा पर वोट देकर महागठबंधन जीत जाएंगे राजू यादव एकदम रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं राजू। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है सर इस बार क्या होना चाहिए, क्यों राजू यादव जीतना चाहिए? राजू यादव इसलिए जीतना चाहिए, आपने स्वयं सुना होगा तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, मोदी की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। उन्होंने जो जो वादे किए थे, जो जो भी स्वप्न दिखाए थे, एक भी पूरा नहीं किया। न युवाओं को रोजगार मिला, न नौकरी मिली, न किसानों के लिए कुछ काम हुआ, न औरतों के लिए कुछ भी काम हुआ। जो भी उन्होंने काम किए वो वैसे ही काम किए जिससे देश को नुकसान ही हुआ है, एक भी उनका काम ऐसा नहीं। वो मोदी जी तो कहते हैं विकास की हम सबका साथ सबका ये लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम युवाओं के लिए भी बहुत सारा काम किया है, तो क्या लगता है मतलब काम हुआ है जमीनी स्तर पे कि सिर्फ? मोदी जी का जो विकास है वो सबसे बड़ा उनका है, रोजगार विहीन विकास। आप देख रहे हैं कि नोटबंदी के बाद और ये जो लागू किया गया था GST के बाद लगभग 4 करोड़ नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए, छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद कह ही नहीं रहे। न नोटबंदी की बात कर रहे हैं, न विकास की बात कर रहे हैं, आज पुलवामा की बात कर रहे हैं और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बताएं आप क्या? और अच्छा राजू यादव जीत के आते हैं तो क्या अपेक्षा रहेगी आप लोगों की, क्या चाहते हैं? राजू यादव जीत कर आएंगे तो हमारी अपेक्षा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से डेवलप किया जाए, फिर से स्थापित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, संविधान के अनुसार कार्य किया जाए, रोजगारों जो हमारे युवक हैं उनको रोजगार मिले, किसानों का कर्ज माफ हो, गंगा जी की वस्तुतः में सफाई हो, जो भी काम है व्यवहारिक रूप से काम किया जाए। अच्छा। हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की रक्षा की जाए। आरके सिंह तो विकास पुरुष कहे जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि विकास का काम किया है उन्होंने, रेलवे का चौरीकरण कर दिया, ओवर ब्रिज बना दिया, कोइलवर पुल का ये काम कर दिया, तो क्या लगता है ये सब जो काम हुआ है ये नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए जो भी काम होता है उस पर पहले से काम पाइपलाइन में थे, आप क्या समझ रहे हैं कि आरके सिंह आए हैं तो रोड का बन गया है? ये सब पहले से चल रहा था, रेलवे का जो काम है ये सब भी पहले से चल रहा था, इनका तो काम बिजली का मिला है। उसमें सभा में हमेशा सभा में ये बात संबोधित कर रहे हैं कि हमने काम किया है और काम बाकी है वो करेंगे। श्रीमान जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपाइयों को सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो और जोर जोर से बोलो, बाकी वो काम में कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं, ना कुछ काम किया है उन्होंने, लोगों को उलझा के रखा है, हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को उलझा दिया है, लोगों से दोस्ती करने की ताकत को उन्होंने उलझा दिया है, हमें मिलजुल करके रहने की ताकत को उन्होंने उलझा दिया है। चलिए और लोगों से धन्यवाद आपका समय दिया। तो और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार क्यों जीतना चाहिए राजू यादव? लड़के हैं सब लोग को मिलजुल कर विकास करने वाले नौजवान हैं, ये आरके सिंह दूसरे जिले से जीत कर आ गए और खाली हवा में बोलते हैं कि मैं यहाँ विकास कर दिया वहाँ विकास कर दिया, जितने रेल लाइन की यहाँ पर उन्होंने दिए सब लालू जी की रीजन की साइन की रेल लाइन है, दूसरे का धन लेकर ये ढिढोरा पिटने वाले आदमी है और ये भाजपा की यही नीति है। और क्या लगता है राजू यादव? यस राजू यादव जीतेंगे। तो चलिए दोस्त जो भाजपा की सरकार है वो बच्चों के ऊपर
कोई ध्यान नहीं दिया है, वो हमें उनको रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से रोजगार को भ्रष्ट करके रख दिया है भाजपा की सरकार, इसलिए भाजपा की सरकार इस बार नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव के खुलकर बोले हैं और ये चाहते हैं राजू यादव को क्यों जिताना, इन्होंने खुलकर बोला है। अगर इनकी खबर, इनकी बेबाक राय आपको पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, तभी तो इन लोग का जैसा रुझान, इन लोग का जैसा साझा ओपिनियन पाइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला लोकसभा चुनाव में क्या है माहौल और क्या है राजनीतिक रंग।